आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपने मोबाइल फोन के अंदर आप आइडियो मैनेजर एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि आइडियो मैनेजर एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि यह एप्लीकेशन बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको अपनी आइडियो को मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप इसके अंदर अपनी फोटो वीडियो को भी आप छुपा के रख सकते हैं। तो इसलिए यह एप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और हमेशा आपके काम आता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार अपने मोबाइल फोन में आइडियो मैनेजर एप्लीकेशन को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आइडियो मैनेजर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहां से मैंने इसे डिलीट कर दिया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके इसे आपको लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करना होगा। तो चलो हम यहां पर लिंक पर क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कर लेते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया है। अब आपको अपने मोबाइल फोन में अपनी एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा आइडियो मैनेजर और यहां पर बताया गया है टैप एंड होल्ड, यानी कि यहां पर आपको होल्ड करना होगा। तो इस तरीके से आप होल्ड करिए, आपके सामने ये पेज निकल आएगा। यहां पर आपको एक अपना लॉक सेट करना होगा, जिस तरीके से आप लॉक को सेट करना चाहते हैं इस तरीके से अपना लॉक सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद जैसे मान लीजिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसे कट करेंगे और इस तरीके से लॉक बनाएंगे, सेव कर देंगे। अब यहां पर आपसे देखने को मिलेगा पिन कोड सेट टू, यानी कि आपका पिन ये सेट हो गया है, ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे ओके करेंगे आपके से रिकवरी ईमेल आईडी पूछा जाएगा, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर ऐड कर सकते हैं। बाय चांस अगर अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपके ईमेल आईडी पर पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो यहां पर अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलो हम यहां पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे आप इतना काम कर देंगे फिर से आप ओके कर दीजिए और यहां से आपको जो परमिशन मांगे उसे आपको अलाउ करना होगा। जैसे आप इसे अलाउ कर देंगे अब आपका एप्लीकेशन बैक होकर आ जाएगा। हमारा लाइट चला गया है, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर आपको फिर से अपने आइडियो मैनेजर जहां पर लिखा हुआ है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा और जो आपने पिन बनाया हुआ है वो आपको पिन यहां पर डाल देना होगा और इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको ग्रांट परमिशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी परमिशन मांगे आपको परमिशन अलाउ करना होगा। तो इस पर क्लिक करके हम यहां से परमिशन को अलाउ कर देंगे, बैक आ जाएंगे। इतना काम करने के बाद आपके सामने सारे के सारे फीचर ओपन हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहां पर आपको फोटो मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको वीडियो, यहां पर मिलेगा म्यूजिक, यहां पर फाइल मैनेजर, यहां पर आपको मिलेगा नोट। तो हम यहां पर वीडियो और ऑडियो को छुपाकर दिखाएंगे और आपको फोटो भी दिखाएंगे। तो फोटो पर आप क्लिक करेंगे अगर आपको छुपाना है और यहां पर आपको एल्बम पर क्लिक करना होगा और यहां पर मिलेगा प्लस का आइकन। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे, अपने गैलरी पर क्लिक कर देंगे, यहां पर आपके गैलरी के सारी फोटो आपको दिखाई देंगे। आप जिस फोटो को आप छुपाना चाहते हैं उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड सेलेक्ट फाइल। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आ जाएगा ओके। अब आप इसे ओके कर दें। जैसे आप इसे ओके करेंगे आपके वो फोटो यहां से हाइड हो गए हैं। अब यहां से बैक आ जाइए और वह फोटो आपके इस एप्लीकेशन में यहां पर आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहां से बैक आ जाइए, बैक आ जाइए, फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपके वो फोटो यहां पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार अगर अपने वीडियो को आप छुपाना चाहते हैं तो वीडियो पर क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे यहां पर और आपको इस पर क्लिक करना होगा, गैलरी आपको ले लेना होगा। यहां पर आपके सारे वीडियो आ जाएंगे, जिस वीडियो को आप छुपाना चाहते हैं अपने वीडियो को इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे हाइड सेलेक्टेड फाइल। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, आपके सामने इस तरीके से पेज दिखाई देगा, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका फाइल वह हाइड हो गया है। अब यहां से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद और बैक आ जाइए और बैक आ जाइए। अब यहां पर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर वो वीडियो दिखाई देगा जिस वीडियो को आपने छुपाया हुआ है, ये आपके गैलरी में दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से फोटो वीडियो को आप छुपा सकते हैं। अब बात करेंगे अगर आप अपनी आइडियो को छुपाना चाहते हैं तो आप आइडियो बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जितने सारे म्यूजिक होंगे वो आपको अभी दिखाई देंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करिए, गैलरी पर क्लिक कर दीजिए, यहां पर आपके जितने म्यूजिक होंगे वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। जिस म्यूजिक को आप छुपाना चाहते हैं अपना म्यूजिक आप यहां पर ले लीजिए और आपको सेलेक्ट हाइड फाइल पर क्लिक करना होगा और आपका फाइल हाइड हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने फाइल मैनेजर से किसी भी फोल्डर को छुपाना चाहते हैं तो फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे, अगर आप नोट को छुपाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आप नोट लिखना चाहते हैं यहां पर लिख दीजिए।
तो इस तरीके से फोटो, वीडियो, म्यूजिक और फाइल मैनेजर से अपने फोल्डर को आसानी से छुपा सकते हैं, कोई भी नहीं जान पाएगा। क्योंकि जब इस एप्लीकेशन को बैक करेंगे, बैक करने के बाद अगर कोई भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो उसे यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर बाय चांस उसने यहां पर लॉन्ग प्रेस कर भी दिया तो यहां पर पिन कोड डालना पड़ेगा और पिन कोड उसको नहीं पता होगा और यहां से वह अपनी आवाज को मैनेज कर पाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे अगर अपनी फोटो और वीडियो को गैलरी में वापस लेना चाहते हैं फिर से, तो आपको अपने आइडियो मैनेजर जहां पर लिखा हुआ है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यानी कि अपना पिन डालने का, आपको अपना पिन डाल देना होगा जो आपने बनाया हुआ है। अब यहां पर आपके फोटो, वीडियो, आइडियो, फाइल मैनेजर, नोट सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। अब आप जिसे अनहाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, उस पर क्लिक करिए, यहां से आपको सेलेक्ट करना होगा और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनहाइड, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहां से मिल जाएगा आपको अनहाइड, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका जो फोटो होगा वो आपके इस वाले फोल्डर में चला जाएगा। तो हम अनहाइड पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि हमारे गैलरी यानी कि जहां पर मैंने फोटो को छुपाया हुआ था वो सारे के सारे फोटो हमारे यहां से जा चुके हैं, अब यहां पर कोई भी फोटो नहीं है। अब अपने गैलरी में चलते हैं तो गैलरी में हमारे वही फोटो हमें यहां पर दिखाई देंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि वही फोटो हमारे गैलरी में आ चुके हैं। तो इस तरीके से अपने मोबाइल में आइडियो मैनेजर एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी और आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे और इसी प्रकार वीडियो को, अपने आइडियो को और अपने फाइल में मैनेजर से फोल्डर को भी आप अनहाइड और हाइड करके रख सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।